morning children. Today we will start lesson 3, stone soup. In this lesson we will see how traveler fooled the lady and made soup for both of them. We are going to begin with lesson 3, stone soup. There are many types of soup. बहुत तरह के सूप होते हैं. और आपने कितने तरह के सूप टेस्ट किए हैं? आपको कोई सूप के नाम मालूम है? जैसे टोमेटो सूप, मनचाओ सूप, है ना. चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है. एक बार एक आदमी जिसका नाम हेनरिक था एक गांव गया. वह बहुत भूखा था. उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने पर एक औरत ने दरवाज़ा खोला. मैं भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाना दीजिए, उसने उस औरत से पूछा. तो उस औरत ने हेनरिक को खाना देने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपना खाना क्या शेयर नहीं करना चाहती थी, मतलब बांटना नहीं चाहती थी. हेनरिक जानता था कि वह औरत झूठ बोल रही है. उसको एक आइडिया आया. उसने कहा, मेरे पास एक मैजिक स्टोन, मतलब जादुई पत्थर है, जिससे मैं आपके लिए कुछ स्टोन सूप बनाऊंगा. ऐसा उसने उस औरत से कहा. ऐसा सुनकर उस औरत ने कहा, आप मुझे स्टोन सूप बनाना सिखाएंगे? ठीक, उसने हेनरिक ने कहा ठीक है. और उसका ऐसा बोलकर किचन में गया और उसने एक पैन में पत्थर डालकर गैस पर चढ़ा दिया. अब हेनरिक ने पानी को टेस्ट किया और बोला कि सूप तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें नमक और प्याज और डाल दें तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा. अब उस औरत ने छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज काटा और उस पैन में डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी मिला दिया. हेनरिक सूप हिला रहा था और फिर उसने टेस्ट किया. उसने कहा, सूप तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें थोड़े से आलू डाल दें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा. इतना सुनकर उस औरत ने थोड़े से आलू निकाले और काट कर पैन में डाल दिया. अब सूप बहुत अच्छा हो गया था. उसने कहा, वाह भाई, सूप तो बढ़िया हो गया है, लेकिन अगर इस सूप में थोड़ी बीन्स और थोड़े टोमेटो भी डाल दें तो इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आने लगेगी, मतलब खुशबू आने लगेगी. जो वो औरत थी वो बहुत भूखी थी, उसे भूख लग रही थी. उसने थोड़े से बीन्स और टोमेटो काटे और पैन में डाल दिए. अब लास्ट में सूप बन गया. हेनरिक ने पैन से पत्थर निकाला और सूप को एक बॉल में डाल दिया. प्लीज आप इस मैजिक स्टोन को ले लीजिए, हेनरिक ने उस औरत से कहा. आप रोज स्टोन सूप बनाइए, लेकिन इसमें नमक, ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स ये सब डालना मत भूलिएगा. थैंक यू. बच्चों, हमने इस लेसन में देखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें अपना खाना बांटकर खाना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है ना, शेयरिंग इज केयरिंग. थैंक यू.